हाँ भाई, तुम लोग नए नए काम पर आए हो, उसे पत्थर से बांधना भूल गए? ऐसे डालोगे सुबह तक ऊपर आ जाएगा। अच्छे से टाइट करके बांधो। लीना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। कल से ध्यान रखना कि चार लोग इस पे हमेशा नजर रखें। ओके। अरे वाह, सुबह सुबह लॉटरी लग गई। अरे काका, ये लो, ये तुम्हारे काम आएगी। हाँ हाँ, मैं समझ गया, सिंगल पेमेंट में ही डील खत्म करेंगे। 20 एकड़ की जमीन है, पहले 10 करोड़ एडवांस में दीजिए, बाकी बाद में देखता हूँ। एड्रेस चाहिए? हाँ, एक मिनट रुकिए, नोट कीजिए। रोड नंबर 14, अंबेडकर नगर, 11th क्रॉस रोड। सर, आपके 100 रुपए नीचे गिर गए। हाँ, अरे 100 रुपए ऐसे ही छोड़ के जा रहा है। अरे क्या कर रहा, पागल है क्या, मरेगा? अरे अरे, ए छी, ओ क्या करो, दूसरा कोई चारा भी तो नहीं। अरे यार, पैसा कितना बास मार रहा है। बास आने से कीमत तो कम नहीं होगी ना? ला दे, आजकल बहुत ज्यादा बोल रहा है। हाँ हाँ, ज्यादा ही बोलूंगा। तू पहले अपना चाय बना, 7 वड़ा और 7 स्पेशल टी। क्यों मनोज, पैसे ज्यादा हो गए क्या? अरे इसीलिए तो पार्टी दे रहा हूँ मैं। हाँ, तू तो धन्ना सेठ है ना। देखो इसका हुलिया, इसका नाम गणेश, इसके बड़े पेट की वजह से पड़ा है। अरे चुप बैठ यार, इसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कई हफ्तों से नहाया ही नहीं। माँ बाप ने ऐसी शक्ल दी तो क्या करूँ, मैं तो आदत से मजबूर हूँ भाई। अरे मुझे तो मेरे माँ बाप का पता नहीं, मेरा नाम भी किसने रखा क्या पता। बचपन से हो संभालने तक लोग मुझे हमेशा कामचोर, निकम्मा, इन्हीं नामों से बुलाते आए हैं, मैं तो इनसे खुश हूँ। अरे अपुन को आज तक नहीं पता कि अपना नाम मनोज किसने रखा है। भाई जिसने भी रखा है अच्छा रखा है, मगर आज तक इस नाम से कोई बुलाया ही नहीं। अरे काम भले कुछ भी करो, लेकिन नाम तो हीरो का है ना। अरे भाई तू चाय देना यार। अरे काका, इस उम्र में आप इतना काम क्यों कर रहे हो, थोड़ा टाइम घर पे दो। घर पे टाइम? हाँ। वो क्यों दो? चाय, हफ्ते भर कचरा उठाता फिरता हूँ, फिर हफ्ते के अंत में उन्हें बेचता हूँ, 2 पैसे आते हैं बीवी को देता हूँ, बीवी उनसे दाल चावल खिलाती है। घर पे बैठ जाऊंगा तो तू खिलाएगा क्या? अरे भाई इसको घुमा के क्यों देख रहा है? क्या है कि पैसे तुमने दिए हैं ना, तो हमें इसे बांट कर खाना चाहिए ना। ये वाला तुम लो, ये बड़ा वाला तुम ले लो। अपुन को पता है तेरे को बड़ा खाना है, आज के दिन तो बड़ा वाला ही खा ले।
ए चाय में कितना पानी मिलाता है। सही कहा कविता, इसके बाद अच्छी चाय पिलाएगा ये। अरे चलो भाई लोग, माल भी पहुंचाना है, बहुत देर हो रही है। चलो 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 चलो, 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 चलो। सुन भाई चाय वाले, आज से पानी में दूध मत मिलाना, दूध में पानी मिलाना। पहले अपना उधारी तो चुका है। अरे भाई दे दूंगा, भाग के थोड़ी जा। अरे वो क्या है ना, अरे उठा उठा। ए सामने क्या कर रहा है, हट यहाँ से। देख रहा है आजकल भिखारियों के तेवर भी ना। क्या हुआ, क्या भिखारी बोला? दिन भर यहाँ बैठता हूँ तब जाके 500 कमाता हूँ। हम लोग दिन भर मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तेरी तरह भीख मांगकर पैसे नहीं कमाते, समझा? ए भीख मांगता तो मेरे पर ताव दिखाई तो क्या? रुक जा, मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। विशाल को फोन दे। हाँ विशाल भाई, यहाँ कचरा उठाने वाले भिखारियों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आप तुरंत अपने BMW गाड़ी निकालिए और यहाँ 13 नंबर जफर रोड पे आ जाइए। जल्दी आइए। रुक जा, मैं बोल रहा हूँ ना, रुक जा। ये क्या कर रहा है, ये सब क्या है, कौन हो तुम लोग, इस एरिया में आकर लफड़ा कर रहे हो? ये कचरा वाले मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। पैसे के लिए बड़े बड़े लोग झगड़ा करते हैं तो फिर तुम कौन हो? तुम यहाँ बैठकर भीख मांगते हो ना? इसे देखो, ये बिना मेहनत किए पैसे कमा लेता है और तुम लोग पूरे शहर में कचरा चुनते रहते हो। तुम लोग अपना अपना काम नहीं कर सकते, ऊपर से झगड़ा करते हो, शांति से नहीं रह सकते क्या? ए कल मैंने 4 चाय पी थी ना, उसके पैसे दे दे। तुम लोग सीधा राम मंदिर में पहुंचो, वहाँ के प्रोग्राम का टाइम हो रहा है। बड़ा आया किसी को बुलाने वाला, वैसे भी मेहनत की कमाई के पैसे ही टिकते हैं। हाँ, हाँ, पैसे नहीं टिकते हैं। हाँ, हाँ, इन लड़कों में जिसने पीली पैंट और लाल टी शर्ट पहनी है उसका नाम मनोज है, उसके पीछे जो मोटा लड़का खड़ा है सर उसका नाम गणेश है। बस करो सर, अपन थोड़ी ना रेडियो पे गाने सुना रहे, विजुअल तो दिखा रहे ना सर। पब्लिक बहुत समझदार है सर, सब समझ जाती है। एक प्लेट इडली दीजिए। हाँ मुझे भी इडली। हाँ हाँ दे रही हूँ। सांबर चटनी इडली को बनने में भी तो वक्त लगता है, पैसे देने का नाम नहीं, मुफ्त की इडलियाँ खाते हो। हाँ हाँ कल दे देंगे, थोड़ा चटनी दो। और देर काफी हो चुकी है। हाँ। मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। मैं दो इडली। अरे दे रही हूँ, दो इडली करते करते 25 इडली खा चुके हो, पैसे तो दिए नहीं। हाँ तो पैसे लेके भागूंगा नहीं। रानी, हाँ माँ, यहाँ आ रही हूँ। क्या हुआ माँ? ये लोटा लो और नाया चाचा के यहाँ से चाय लेकर आओ। तुम ही चली जाओ ना, मैं यहाँ कस्टमर को छोड़ के कैसे जाऊंगी। जा ले आ। ठीक है दो। छी, ये क्या है यार, ये तो रोज का नाटक हो गया है। पता नहीं सुबह आज मैंने किसकी शक्ल देखी थी। अपनी ही देखी होगी, खुद की शक्ल देखकर उठे होगे, इसीलिए तुम्हारा दिन खराब शुरू हुआ। ये लो। अरे तेरी ही शक्ल देखी थी मैंने। अरे क्या चला रहे हो? अरे कुछ नहीं, तुम्हें पता है मैं किसकी बातें कर रहा हूँ? रानी, आ रही हूँ। जरा सुनो ना, मुझे 100 रुपए दोगी? गाड़ी का पंचर ठीक कराना है। 100 रुपए? ये क्या बकवास कर रहे हो, सुबह सुबह पीकर आए हो क्या? ए, मुझे माल पहुँचाना है। तुम माल पहुँचाओ या अर्थी पहुँचाओ, मुझे इससे क्या? क्यों, मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी से पैसे कमाओगी? देखो सुबह सुबह मेरा मुंह मत खुलवाओ, जाओ यहाँ से। चल चलते हैं। ये क्या है यार, तुम्हारे माँ बाप हमेशा लड़ते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, तो चल। अरे सुनो तो। अरे चल ना। पैसे देने से क्यों मना कर रही हो, बोहनी तो हो गई है ना। बोहनी हुई तो क्या तुम्हारे मुंह पर मारूं? राशन वाले के और घासलेट वाले के पैसे कौन देगा, तुम्हारे बाप? सबको पैसे दे सकती है, तुम मुझे क्यों नहीं दे सकती? इतनी बड़ी बेटी घर पर है, उसके सामने ऐसी बातें मत करो, कुछ तो शर्म करो, तुम एक जवान लड़की के बाप हो। बोलती है तू, इस काम का तुझे बहुत घमंड है, मैं अभी दिखाता हूँ तुझे। दो पैसे कमाने के लिए अपने आप को तू बस खुदा समझने लगी है। मुझे मुझे हाथ रोज की मच है। मुझ पर हाथ उठाया, वापस इधर आना नहीं, समझा ना? सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। तुम्हें अपने माँ बाप को समझाना चाहिए था और तुम यहाँ आ गई। अरे रोज सुबह की यही कहानी है, रात तक देखना दोनों भूल भी जाएंगे। अच्छा सुन, तेरा तो रोज कचरे वालों से मिलना जुलना है, बदबू आती होगी। अरे काम अगर अच्छा हो तो ऐसा कुछ नहीं होता। सही बात है। अच्छा तेरे पास पेन है क्या? नहीं है। ठीक है मैं पेन लेकर आती हूँ, तो साइकिल के पास खड़ी रहना। हाय रानी, कैसी हो? सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। तुम जहाँ काम करती हो वहाँ मेरे लिए कुछ देखो ना। मैं अपने ऑनर से बात करके बताती हूँ। ठीक है भैया, एक पिन देना। अभी देता हूँ, ये लो। उसने ऐसे ही कहा था, बुरा मत मानना। अरे पिन तो लो। मेरे काम के बारे में भूलना नहीं। ए रानी क्या हुआ तुम्हें? तू उससे क्यों बात कर रही है? उसने बचपन में तुम्हारे 5 रुपए चुराए थे और तुम हो अब तक उसी बात को लेके बैठी हो। 5 रुपए हो या 5 पैसे, चोरी चोरी होती है। दूसरों के पैसे लेने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जो माफी मांग ले वो इंसान, और जो माफ कर दे वो भगवान होता है। ठीक है ज्ञानी माँ, अब चले। तुमने तमन्ना को क्या समझ के रखा है? तू मोबाइल स्टोर का मैनेजर है तो मैं डिपार्टमेंटल स्टोर की मैनेजर हूँ। मेरे पैसे फालतू में चले जाए मुझे पसंद नहीं है। मैं भी काम करती, मुझे सब पता है। रानी वहाँ पे पानी गिर गया, जरा साफ कर देना और पैकेट्स को रैक में रख। ठीक है मैडम।
मुझे मेरे पैसे चाहिए। हम मेहनत से पैसे कमाते हैं और तुम ऐसे ही पैसे काट लेते हो। तुमने तो मेरे कॉलर ट्यून के पैसे काटे, साथ में और भी पैसे काट दिए। तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं? गीता जरा उधर देखना कस्टमर को। ठीक है मैडम। और सुनो, आज दोपहर से पहले मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे स्टोर को कंज्यूमर कोर्ट तक लेके जाऊंगी। ए, जरा जल्दी लोड करो ना, मुझे 3 बजे से पहले माल पहुंचाना है। तुम लोग जल्दी से लोडिंग करो ना। ठीक है, जा अंदर से पैसे ले ले। अगला कौन है? जल्दी से आ गया हो। ए, जरा संभल के। चल जल्दी रख। ये लो भाई आज का सामान। बोरी को छोड़कर 20 किलो हुआ। सही है, आज की बहनी बढ़िया हो गई। तेरी थैली तो खाली लग रही है, इसका वजन भी बहुत कम है। अरे क्या सब आप भी? तेरे सिर्फ 50 रुपए हुए। जाना दिमाग मत खराब कर। ये लो भाई मेरा देख लो। क्यों रे, प्लास्टिक और कांच सब अलग अलग करके रखा है ना? रखा है भाई, चाहो तो अंदर चेक कर लो। अंदर जाकर पैसे ले ले। ये लो बेटी 350 रुपए हुए। जाओ। अच्छा काली, ये रहे तुम्हारे 200 पहले के और 300 जो पहले के थे वो काट लिए। ठीक है, ये लो तुम्हारे 2 दिन के पैसे। क्या साहब, दिन भर मेहनत करके खाली 100 रुपया मिलता है, इतना पैसा में कैसा चलेगा साहब? जब तक तुम्हारी दादी थी वो 4 घर काम करके तुम्हें पाल पोस रही थी। दादी के मरने के बाद ही तुम इस काम पर आए हो। अच्छा मटेरियल ढूंढ कर लाओगे तो ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। अभी जाओ। क्या महेश, आज तो बहुत माल लाया है भाई। इंग्लिश पेपर और प्लास्टिक सब एक साथ है, देख लेना आज भी वजन उतना ही होगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा हर दिन 65 किलो ही कैसे होता है? वो क्या है ना कि मैं सिर्फ अपने एरिया का माल लेता हूँ, मुझे पता है कितना होगा। बाकियों की तरह इधर उधर का माल नहीं लाता मैं। पूरे 65 किलो वजन तो सही है ना? 450 रुपए। ये लो 50 रुपए वापस करो। अब 50 रुपए कहाँ से दूंगा, कल के हिसाब से काट लेना। ठीक है ना साहब? इतना संभाल कर इसे क्यों ले जा रहा है? अपना सामान भगवान के जैसा होता है। सुनो शर्मा जी के यहाँ एक ट्रक भर के सामान भेजना है, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। हेलो 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 साहब, यहाँ सिग्नल नहीं मिलता है, यहाँ से जरा दूर जाके बात कीजिए ना। हेलो पापा, जल्दी बाहर निकाला करो, मेरा दम घुटता है, मुझे मेरे दोस्त को फोन भी करना था। वो यहाँ का मालिक सामने खड़ा था ना, उसके सामने मैं तुम्हें कैसे निकालता, वो गया तो तुम्हें निकाल लिया। अच्छा बेटा, अब तुम यहाँ से निकल जाओ जल्दी से, और फिर बाहर वाले गेट से अंदर आ जाना। ठीक है? ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, ये हमेशा सिग्नल की प्रॉब्लम क्यों होती रहती है? साहब मेरे पापा अंदर है क्या? अंदर ही है, जाकर मिल ले। हेलो। अरे बेटा क्या? पापा माने घर पे बुलाया, जल्दी चलो। तुम्हारी माँ मेरे बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकती है। सेठ अब मैं यहाँ से चलता हूँ, चलो बेटा तुम्हारे लिए बन मस्का खरीदूंगा मैं रास्ते में। हाँ चलो, ज्यादा ही प्यार दिखा रहा है मेरा अच्छा बेटा। चलते हैं सेठ जी। ठीक है, एक बात समझ में नहीं आ रही है, वजन तो मैं बराबर करके सबसे लेता हूँ, फिर लोडिंग में कम कैसे हो जाता है? हेलो मेरी जान, आई कम वेरी सून, जल्दी आ रहा हूं भाई। अरे भाई ये सब क्या है? मेडिटेशन एंट्रेंस इक्विपमेंट। नहीं समझा। नहीं समझा। ज्ञान के लिए ज्ञान का सागर है ये। बॉस इस सब के लिए पैसे कहाँ से आए? अच्छा सवाल है। आज सुबह 5-स्टार होटल में अपने दोस्त से मिलने गया, मैंने उसे कहा हाउ आर यू, तो उसने कहा एकदम झकास हूँ। उसने 3,000 निकाले और मुझे कहा रख लो, ओके अब तुम एंजॉय करो, हैव अ ड्रिंक। सुपर बॉस। क्यों बॉस, तुम्हारे ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं, मुझे बताया नहीं। एए, मुझे तो 3 लाख देने वाले भी दोस्त हैं। अपन को तो कोई 100 रुपया भी नहीं देता। ए लक्ष्मी माँ, अरे आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, आप सबको रोज का 400-500 देती है, अरे मुझे कम से कम रोज का 100 रुपया तो दो। अरे टेंशन मत लो मनोज, अगर तुम अच्छा मटेरियल ढूंढ के लाओगे ना तो 400-500 रोज मिलेंगे, मैं मदद करूंगा तेरी। तो आया बड़ा मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, कचरा उठाते हो ना तो सोशल वर्क छोड़ो। तुझे क्या परेशानी है? ए, अब ध्यान से सुनो, किसी अमीर आदमी को पकड़ कर उसके यहाँ नौकरी करेंगे और आराम से सेटल हो जाएंगे, वरना जिंदगी भर दूध का प्लास्टिक, रद्दी का पेपर, प्लास्टिक का कचरा, ये सब ढूंढते रह जाओगे। ए क्या हुआ, सब घूर क्यों रहे हो? हाँ ए
मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? अरे अगर हम 10 रुपए का रिचार्ज करते हैं उसमें भी 3 रुपए कट जाते हैं, पर जब अमीर आदमी 500 का रिचार्ज करता है तो उसे एक्स्ट्रा टॉक टाइम मिलता है, पता है तुम लोगों को? ए, इससे पहले कि माल गर्म हो जाए सब लोग जल्दी जल्दी पी लो। क्यों बॉस, माल इतना अच्छा है क्या? एक बार पी कर देखो, ऐसा लगेगा अमृत पी रहे हो। आपका पैसा 3 दिन में लौटा दूंगा भाई। तो 3 दिन बाद अपनी बीवी को लेके जा। आपका सिर्फ 10,000 ही बाकी है भाई। ए, जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे तेरी बीवी मेरे पास रहेगी। चल। क्यों बे, कब से देख रही हूँ ये रो रहा है, या तो इसका रोना खत्म कर या इसको खत्म कर। इसे कितना भी मार रहा हूँ तो भी बोल रहा है पैसे नहीं। ज्यादा नाटक किया तो मुझे बताना, मैं इसकी कहानी खत्म कर दूंगी। बोलो भाई, उसने कहा कि वो कल देगा। ऐसे कैसे कहा उसने, और तुमने कुछ नहीं कहा? मैं क्या करूं भाई? जब पैसे देने होते हैं ना तो ऐसे ही बहाने आते हैं सबको। इतनी देर से पूछ रहा हूँ, बताते क्यों नहीं? जब ये भाग कर जा रहा था तुम सब मर गए थे क्या? हे वकील, तुझे बोलना चाहिए ना, ऐसे तो बकवास करता रहता है। देख रहे हो, इतना टॉर्चर कर रहा हूँ पर ये बताएगा नहीं। बता नहीं तो मेरे हाथ से मरेगा तू। बेईमानी के धंधे में ईमानदारी जरूरी है, और जो बेईमान होगा ना वो मरेगा जरूर। तो तू भी मर। ए, इडली लेकर आ। सांभर डाल।
धंधा करने वाले सारे बड़े लोग मुझ पर भरोसा रखते हैं। तुम सब पर भरोसा रखना बेवकूफी है। देखा, बिना बोले ही मर गया। इसकी लाश ठिकाने लगा दो। अगर किसी ने मेरे साथ धोखा किया ना तो उसका भी यही हाल होगा, समझ गए? हाँ बोल। देख वो माल मैंने उठा लिया है, कोई भी माल मिस नहीं होना चाहिए। मिस हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो, हाँ ठीक है मैं आकर बात करता हूँ। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कहाँ मिलेगी, चॉकलेट चलेगी? हेलो मैडम, उससे मत पूछो, वहाँ से तीसरे वाले रैक पे है, जाके ले लो। ठीक है। रानी। मैडम। यहाँ हो बेटा, सुनो इसमें 3000 रुपए है, जाके लाइट बिल भर देना, आज लास्ट डेट है। ठीक है मैडम। रानी आज काम पे नहीं गई क्या? दुकान से ही आ रही हूँ, वहाँ का लाइट बिल भरना है। दो दिन चंद्रा नंदिनी सीरियल में क्या हुआ? अरे उसकी सौतेली माँ ने डुप्लीकेट चंद्रा को महल में घुसा दिया। और वो भाई वाला सीरियल खत्म हो गया क्या? मैंने भी बहुत पहले देखा था, आखिरी बार जब देखा था तब उस सीरियल में तीसरे भाई को प्यार हो जाता है एक लड़की से, और फिर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, बाद में वो लड़का एक एक्सीडेंट में मर जाता है, तो फिर वो दूसरे भाई से शादी कर लेती है। अच्छा, तूने वहाँ तक देखा? सुना है स्टार पे नया सीरियल स्टार्ट होने वाला है। अरे आजकल मेरे टीवी में वो वाला चैनल ही नहीं आता है, कैसे देखूं? ठीक है, हो सके तो घर पे आना, हम साथ में देखेंगे। अरे यार, सोचता हूँ ना कि कुछ अच्छा करेंगे, होता ही नहीं, अपनी किस्मत में नहीं है। ये क्या है? क्या है? अरे किसी बेचारे का पैसा यहाँ गिर गया है भाई। ए किसके पैसे, इससे अपने को क्या, चलना मिल गए। हाँ चलना भाई, ए सोच क्या रहा है, चलना। हाँ मनोज चलते ना यार। अरे किस लिए यार, खंबा नहीं तो लस्सी तो पी ही सकते हैं। हाँ पीले 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 पीले, बस बस मेरा बेटा, पीले और पीले, बहुत बढ़िया। आजा आजा, लगता है आधा किलो और कम हो गया। ये ले। अरे बस करो ना पापा, अब तक 3 केले खा चुका हूँ, 3 लस्सी पी चुका हूँ, और खाया ना तो फिर उल्टी कर दूंगा। अरे नहीं मेरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। देखो तुमने कहा था तुम्हें वीडियो गेम चाहिए, पैसे नहीं होंगे तो मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? तेरा वजन बढ़ेगा तभी तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे बेटा। अरे क्या बात है महेश भाई, बच्चे को लस्सी वस्सी पिला के पहलवान बनाना है क्या? वजन बढ़ेगा तब तक कांटा भागेगा। अरे क्या बोला यार? अरे वो तो मैंने ऐसे ही कहा, आजकल मेरा बेटा बहुत कमजोर हो गया है ना, तुम्हारी तरह इसे मैं कचरा बीनने वाला थोड़े ना बनाऊंगा, अपने बेटे को ऑफिसर बनाऊंगा। चलो हाँ ठीक है, बड़ा अफसर बना इसको, अरे सीएम बना दे यहाँ का। क्या हुआ बेटा? मेरी मैडम ने 3000 रुपए दिए थे बिल भरने के लिए, पता नहीं कहाँ गिर गए। तुम्हारी मैडम भी बहुत गुस्से वाली है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। देखो बेटा ध्यान से देखो। काम पे जाने के बजाय यहाँ सब लस्सी पी रहे हो? अरे दिन भर मेहनत करके लस्सी पियेंगे ना, तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो? हम लोग के चक्कर में मत पड़ो, जाके अपना काम करो, जाओ जाओ चलो। जाओ जाओ, क्या ढूंढ रही हो? बताओ ना, रो क्यों रही हो? तुम्हें बताऊंगी भी तो क्या होगा? अरे मेरे पैसे खो गए हैं। कितने थे? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? 3000 रुपए इसी रोड पे गिरे, ये तो नहीं। हाँ यही है, तुमने देखा इसमें पैसे थे? वो अपन तुमसे क्यों कहेगा? ये लो। ये क्या चल रहा है यार? अरे यार, अरे? लगता है लस्सी में मामला खत्म हो जाएगा, बोतल नहीं मिलेगी क्या? हाँ यार। थैंक्स। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? वो मैं तुम्हें क्यों बताने लगी? रानी। रानी, जितना अच्छा नाम है उतनी ही अच्छी हो तुम। ए, क्या हुआ भाई, पैसे कहाँ गए? ए, तू उससे क्यों पूछ रहा है, तूने देखा नहीं क्या अभी? मतलब लस्सी काफी है, बियर नहीं मिलेगी क्या? तुम लोग जो सोच रहे हो सब मिलेगा। हा? पर कैसे? मिलेगा? अरे वहाँ देखो,
अरे इसने बहुत ज्यादा घी लगा दिया, साफ ही नहीं हो रहा है। अबे ज्यादा चिल्ला मत, चिल्लाएगा तो पकड़े जाएंगे। अंकल कुल 300 है, इसके बदले में कुछ अच्छा खिला दो। हमने अच्छे से साफ किया अंकल, पहले गंगा जल से फिर बीएमसी के पानी से। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, हमको पैसा दो हम निकल जाएंगे। ठीक है ये लो आपस में बांट लेना। थैंक यू। चार इडली देना इमली की चटनी के साथ। हम लोग भी ले क्या? ओ भाई साहब पता नहीं है कि इडली कैसे दी जाती है? केले के पत्ते पर दो ना। बस चटनी काफी है। अरे अंकल जरा चार इडली देना। अरे अंकल पत्ते में नहीं चाहिए, मुझे प्लेट में ही दे दो। अरे केले के पत्ते में खाओगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा, खाओ खाओ। केले के पत्ते में खाएंगे तो इन्फेक्शन होता है अंकल। कैसी बातें कर रहे हो? पहले खा लो उसके बाद केले के पत्ते को तोड़ कर देखना। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि हम इसे कचरे में डालते हैं और धोकर वापस यूज करते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तो फिर निकलो, खड़े क्यों हो? अंकल पैसे अपने खाते में लिखना। सुनो दो डोसा और इडली पार्सल कर दो। आज की ताजा खबर, आज सुबह सेंसेक्स में भारी उछाल आया है। सेंसेक्स 23 अंक से बढ़कर 30 हो गया है, जिसमें 7 बड़ी कंपनियों को काफी फायदा हुआ है और जिनमें से है भारतीय एयरटेल, विप्रो, हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो के साथ साथ और भी नई कंपनियां शामिल हैं। साथ ही साथ अजय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की शेयर वैल्यू काफी गिर गई है। इनके विरोधी निर्मल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिनकी सेंसेक्स वैल्यू 13.18 थी, उससे बढ़कर 30.9 हो चुकी है। मुंबई में BSE का भी यही हाल है। हेलो सर, सेंसेक्स आज 15 अंक गिर चुकी है। हेलो, शेयर मार्केट में आपके अजय इंडस्ट्रीज के मुकाबले हमारी कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया वो पैसे इस बैग में है। लगता है अजय सर घर पे हैं। बुला लेंगे। सॉरी सर आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, सुनो कार में जो बॉम्ब लगाया था उसे निकालने के लिए कहो। हेलो जी, और 15 मिनट लेट कर देते तो तुम्हारे नाम के आगे लेट लिखना पड़ जाता। चलो निकलो। ओके सर। ओके सर। सर जीवा वेट कर रहा है। आने दो सर। नमस्ते सर। क्या हुआ जीवा? बस आपसे मिलने आया हूँ सर। हाँ आपने जो कहा था वो काम हो गया सर, किसी को डाउट नहीं होगा। तुम अपना काम ठीक से करो, तुम्हारा शेयर तुम्हें मिलता रहेगा। ओके सर। हर वक्त चौकन्ना रहना। तो हम निकले सर। नमस्ते सर। हेलो, हाय माय नेम इज सुसाई। सुसाई? नो सुसाइड, माय नेम इज सुसाई, स्विट्जरलैंड सीक्रेट एजेंट। मेरे सारे एजेंट स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड। हाँ, समुद्र का उस पार आयरलैंड, इस पार आयरलैंड। स्मॉल रिवर, सेलिब्रिटी सिटी, चेकोस्लाविया, यूगोस्लाविया, मित्सुबिशी, इन सारी जगहों पर मेरे ही एजेंट काम करते हैं। मेरी डीलिंग इन ओनली क्रोर्स, 100 crores, 50 crores, 1000 crores, एवरीबॉडी इज करोड़पति। कोई भी इन्वेस्टमेंट करे उसके रिटर्न की गारंटी मेरी, वो पैसे किसी के भी हो मुझे मतलब नहीं है। ठीक है बताता हूं। अगर हम जीत गए तो हवाला, नहीं तो दिवाला। दिवाला? Yes, you don't get confusion. Anytime you call me. Take it, this is my card. मैं अपने दोस्त के ऑफिस में हूँ, कभी भी आके मिल सकते हो। ओके बाय। ठीक है ठीक है। ठीक है माल शाम तक पहुंचा देता हूँ। आपने सारा वेस्ट कचरे में डालने के लिए कहा था, डाल दूं? ठीक है, जो तुम्हें नहीं चाहिए सब निकाल कर कचरे में डाल दो बेटा। जी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मनोज। ए, किस एरिया से हो? क्या हुआ? दूसरे के एरिया में आके कचरा उठाना गलत बात है। ठीक है भाई। क्या? अगली बार नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, यहाँ जो कचरा उठाया मुझे दो। ए, छोड़ कहा ना? दो मुझे, मैं कह रहा हूँ ना। ए, छोड़ कहा ना? निकल यहाँ से। तूने मुझे मारा ना? रुक तुझे अभी बताता हूँ। यही बता देना, निकल। दूसरे के एरिया का कचरा नहीं उठाते क्या? नहीं उठाते। तो फिर तुम क्यों आए यहाँ?
मैं तो जा ही रहा था, तुमने बुलाया इसलिए। अच्छा चलती हूँ। कौन सी एरिया से? श्याम नगर से। क्या हुआ? ए, अपना एरिया छोड़कर दूसरे के एरिया में जाना गलत है, समझा? अपन ने कहा ना कि अगली बार नहीं आएगा। ये अगली बार पिछली बार मुझे नहीं पता, सामान नीचे रख चल। ये देखिए मेरा सामान रखने को बोला ना। ए, ये सब क्या है रे? ये अगरबत्ती का स्टैंड और ये शोकेस का स्टैंड जानबूझ के फेंका है क्या? दुकान के मालकिन से कह दिया तो पता है क्या होगा? ए, जिसे कहना है कह दे। मालकिन ने ही मुझे कचरे में डालने के लिए कहा था, इसलिए मैंने डाला। तुझे चाहिए तो तू ले जा। इसने तुझे मारा था ना, तू भी मार। मार देखता क्या है। ए, अगली बार इधर दिखना मत। ए, चलो रे। एरिया में अगर आया ना, चलना। दिख रहा है यहाँ पे, दिखाना तो टांग तोड़ देगा। चल निकल अभी। क्या हुआ, सब काम ठीक से चल रहा है ना? हाँ भाई, सब अच्छे से चल रहा है। नदी पर भी ध्यान रखना ठीक से। हाँ जीवा, क्या बात है बोलो। हमारे आदमी ठीक से काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है। ए, ध्यान से काम करना। हाँ ठीक है भाई। कुछ हुआ तो फोन करना। डैशबोर्ड में चाबी होगी, देना बेटा। शर्मा जी को देना है। हेलो सर, उस दिन हम लोग जो अजय शिलर के घर में रेड मारने गए थे ना, उसका अकाउंट बिल्कुल ठीक है सर। इट वॉज अ सरप्राइज, बट यू नो आई हैव अ वेरी स्ट्रांग डाउट। अजय एक ब्लैक लिस्टेड क्रिमिनल है, उसने वो पैसे कहीं ना कहीं तो दबा कर रखे हैं। वो तो मैं निकाल लूंगा सर। हाँ सर, ओके सर। रोशनी, ये हमारी तरफ से बर्थडे गिफ्ट। क्या है इस डब्बे के अंदर? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बगल में ही खड़ा, उसी से पूछ लो। देखो, खुद गिफ्ट दे रहा है और मेरा नाम ले रहा है। हाँ हाँ, जल्दी खोलो। देखो हमने क्या दिया है, पसंद इसी की है। क्या हुआ, गिफ्ट पसंद आया कि नहीं? अरे ये क्या कर रहे हैं यार? हमने जो कचरा यहाँ पर फैलाया उसे उन्होंने डस्टबिन में डाला। सर सॉरी सर। मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्लीन इंडिया का नारा लेकर गली गली जो भटकते रहते हो उससे कुछ नहीं होने वाला। ये जज्बा अंदर से होना चाहिए, नियत में होना चाहिए, तभी हमारा भारत स्वच्छ भारत बन सकता है। सॉरी सर, सॉरी सर, हमसे गलती हो गई सर। अरे इसे क्या हुआ? अरे यहाँ क्या देख रहे हो? कोई चाबी लेके आओ। अरे कहाँ मिलेगी चाबी? अरे शर्मा जी, सिस्टम ऑन करके जीटू का मेल आया होगा, उसकी कॉपी लेकर हेडक्वार्टर भेजो। सर सर, आपकी चाबी दीजिए, वहाँ पे एक लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ा है। सर चाबी सर, दे दीजिए चाबी सर। अरे ए, अरे जल्दी कर, जल्दी जल्दी। ये लो पकड़ो इसे, पकड़ो, पानी ला, पानी ला, पकड़ो इसे। ठीक हो जाओगे, उठो। माफ करना सर, इस चाबी की उस लड़की को जरूरत थी इसीलिए। इसने माफी मांगने की क्या बात है? हैं? तुम्हारी इंसानियत देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। गुड, हमेशा ऐसे ही रहना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नहीं तो आप जैसे बड़े लोग हम जैसे कचरा उठाने वालों को तो गाली देके बात करते हैं, पर आपने हमसे प्यार से बात की। ये जो कपड़े है ना, शरीर को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर जो मन होता है ना वो साफ होना चाहिए। मुझे तुम बहुत पसंद आए बेटा, और तुमने जो किया वो भी बहुत पसंद आया। हा? मैं इनकम टैक्स में काम करता हूँ, और तुम्हें कभी कोई जरूरत हो तो मुझसे आके जरूर मिलना, ठीक है? ओके ठीक है सर, बाय बेटा। नमस्ते। शर्मा जी। यस सर। आप वो कॉपी हेडक्वार्टर भिजवा दीजिए। ओके सर। कैरी ऑन। ओके सर, थैंक यू। क्या पापा, आपने कूड़ा उठाने वाले को अपना विजिटिंग कार्ड दिया, उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता। कचरा उठाने वाला है तो क्या हुआ? आई विल टेल यू समथिंग। देखो हम लोग कचरा डालते हैं और वो लोग उठाते हैं, मतलब हम लोग गंदा करते हैं और वो लोग साफ करते हैं, तो हम दोनों में बड़ा कौन है? साफ करने वाले हैं पापा। करेक्ट। बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं वो लोग वेस्ट भी करते हैं, और ये लोग जो है उसी वेस्ट का बिजनेस करके पैसे कमाते हैं। कितनी बड़ी बात है ना ये। और तुम्हें एक बात पता है बेटा, इंडिया में जो वेस्ट रिसाइकिल करते हैं ना, खासकर पेपर, बॉटल, रबर, प्लास्टिक वगैरह, इन सब की वजह से भारत में रोजगार दर 4% बढ़ गया है। ठीक है, चलो अब तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ।
क्या उदय, क्या हुआ? फोन कर रही हूँ, तुम उठाते भी नहीं हो, इसलिए मैं ही तुमसे मिलने आ गई। आओ ना, मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है। मैंने भी बात नहीं की, बहुत मन कर रहा है, चलो उस तरफ चल के बात करते हैं। चलो यहाँ चलते हैं, काफी झाड़ है। ये तो अच्छी बात है ना। क्यों मनोज, तुम्हें मटेरियल की पहचान हो गई? अरे नहीं भाई, अभी तो थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये देखो, जो मटेरियल कड़क है वो अच्छे दाम में बिकेगा, जैसे कि पीतल, प्लास्टिक और वो जो तार का होता है ना अंदर का, वो मटेरियल। जिस तार में कॉपर होता है ना, उस माल की बहुत कीमत होती है। अरे तो फिर उसको छोड़ के तुम ये क्यों उठाते हो? हाँ, इसको नहीं उठाएंगे तो पेट कैसे भरेगा? भाई हा? उसे देख, इसे कहते हैं नसीब, कचरा चल के आ जाता है। देख जा रहा है। ये अपन का एरिया है। ये तेरा एरिया नहीं है, माल अपन के एरिया का है, समझा? ए, हमारा माल दे, हम यहाँ से जाते हैं। मुंह बंद कर और यहाँ से निकल। मेरा माल ये नहीं जाएंगे। ज्यादा होशियारी मत कर। ए, वो देख रहे, दूसरे एरिया के लोग से झगड़ा कर रहे हैं। चल चल। ए, 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 तुमको बोला ना यहाँ से निकलो। क्या हुआ, इस तरह लड़ क्यों रहे हो? क्या बात है मनोज? साहब, उस दिन इनके एरिया में जब मैं कचरा उठाने गया तो इन लोगों ने मिलकर मुझे मारा था साहब। तुम्हारा मालिक कौन है? अपना मालिक कादिर है। हेलो कादिर, मैं मिश्रा बोल रहा हूँ। तुम्हारे आदमी मेरे एरिया में आकर मचमच कर रहे हैं, लो बात करो। हाँ कादिर लाइन पे है। हाँ बोलो भाई। नहीं नहीं, मैंने नहीं भाई। ठीक है, ठीक है भाई। चलो भाई ने बुलाया, चलो उनके पास जाते। चलो जाओ जाओ, निकलो अभी। मेरी एरिया का सामान यहाँ पे क्यों आता है पता है? कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में, अब आप ही संभालो। सुन लो सभी लोग, ये मत सोचना कि तुम्हारे साहब मुफ्त में काम करवा रहे हैं। लोडिंग अच्छी तरह से हो गया तो बिरयानी पार्टी मिलेगी। ए, संभाल के सारा बड़ा वाला आगे रखना भाई। ए, वो देख लेंगे, तू मेरी मदद कर। अरे शाम को अच्छे गाने पे भी नाच लेंगे। शाम की प्लानिंग बाद में करेंगे, पहले माल तो अच्छी तरह से लोड करो, वो जरूरी है। ए, गाड़ी निकाले। चलो माल अंदर रखो। मनोज, मनोज चुपचाप खा रहा है, हम लोग तेरा मुंह देखेंगे क्या? उसके लिए आया है तो उंगली तू क्यों कर रहा है? ये उंगली नहीं कर रहा है, सही बोल रहा है। मनोज के लिए एक गुलाब जामुन आया है। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे ही तो मिलने आई हूँ। पर हम तो सुबह ही मिले थे। पता है तुम किससे मिलने आई हो, उधर जाओ, मैं भेजती हूँ उसे। ठीक है। तुम इतनी मेहनत का काम क्यों करते हो?
मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें हमारे स्टोर में काम लगवाती हूँ। क्यों, ये काम अच्छा नहीं है? अपन कचरा उठा रहा है, मतलब अपन छोटा है क्या? आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए, काम से कुछ नहीं होता। झूठ बोलना, किसी को फंसाना, मारपीट करना, हाथ जोड़ के किसी के सामने खड़ा रहना, ये सब नहीं होता है मुझसे। मेरी नजर में ये कोई बड़ा काम नहीं है। पैसे है तो खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। तुम यहाँ आए हो तो अपने मैनेजर को बोल के आए हो, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता। मन है तो काम करो, नहीं तो फिर आराम करो। हमारे जो साहब है ये केवल नाम के लिए ही हमारे साहब है। वैसे तो वो हमारे साथ दोस्त की तरह रहते हैं। अगर मैं अच्छी जगह से कचरा उठाऊं तो सुबह 6 से 10 तक 500-600 कमा सकता हूँ, शाम को 4 से 6 तक 300-400 कमा सकता हूँ, दिन में 1000 रुपए तक भी कमा सकता हूँ मैं। इतना पैसा तो बड़ी कंपनी में काम करने वाला भी नहीं कमा सकता है। और यहाँ अगर किसी की तबीयत भी बिगड़ जाए ना तो सारे एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। हमारे मैनेजर भी पहले कचरा ही उठाते थे, मगर आज देखो उनके पास 2 घर है और 4 गोडाउन है। मैं कचरा उठाता हूँ इसलिए तुम मुझे छोटी जाति का समझ रहे हो ना? अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो छोड़ दो मुझे। तुमने मेरी बात को बहुत गलत समझ लिया मनोज, मैंने तुम्हें तुम्हारी अच्छाई देखकर पसंद किया। उस दिन तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी बची थी। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे काम से नहीं। मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया हो तो मुझे माफ करना। We'll be right back.
पे जादू करे तू पास है फिर भी क्यों दिल तेरी आरजू करे जाने कैसा नशा तेरा रूप ये करे पार्सल रेडी है क्या? कुछ बाकी तो नहीं है ना? ए सुबु, एक प्लेट चिकन बिरयानी हाँ देना। देता हूँ साहब। अरे जरा मसाला अच्छी तरह से डालना और फ्राई भी अच्छी तरह से करो। हाँ हेलो, कहाँ पर हो सर? यहाँ इंस्पेक्टर साहब चिल्ला रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? पता है ना, पैग मारे बिना राउंड पर नहीं निकलते वो। ठीक है, आ रहा हूँ। ये तो मेरे ही माल पर किसी ने हाथ साफ कर दिया। क्या हुआ साहब? हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? ऐसा है, आपको ढूंढ रहे हैं। अरे यार, किसी ने पूरे खाने पर ही हाथ साफ कर दिया। ए शिवा, तूने तो पुलिस वाले के ऊपर ही हाथ मार दिया यार। अरे चाचा, आम आदमी को लूटना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस वाले को लूट रहे हैं। ए, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। ए, आज चिकन बहुत अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, पुलिस वाले का खाना है ना, इसीलिए टेस्ट कुछ ज्यादा ही है। ए, आज तो पीने के साथ चिकन फ्राई खाने में बहुत मजा आ रहा है यार। ये कीमा चौधरी चाचा के यहाँ का है, बहुत टेस्टी होता है उनका कीमा। ए मनोज, खाना? मुझे नहीं चाहिए। ए, तू नहीं खाएगा तो बाकी खा के सब खत्म कर देंगे। और तू खा क्यों नहीं रहा है? कोई व्रत है क्या तू? आजकल बहुत पूजा पाठ करने लगा है क्या? तू अरे भी ना। खाना यार। ए, चिकन इधर दे। ये क्या पूजा करेगा? और हीरो, लगता है आज तेरी हीरोइन नहीं आई। ए, इसका मामला तो फिट हो गया यार, अब खाली शादी ही करनी बाकी है। लड़की का मामला हो चाहे सेलफोन का मामला हो, बात एक ही होती है। थोड़ा लेट करेगा ना तो लेटेस्ट मॉडल मिलेगी तुझे, एक्सपीरियंस है यार। ए, सेलफोन की बात हो या लड़की की बात हो, ये दोनों ही सिर दर्द होती हैं। अरे ये दे जरा। अरे भाई, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। ए लेना। अरे यार, यहाँ बहुत मच्छर है यार, चल कहीं और चलते हैं ना। चल आराम से सोएंगे कहीं और। आजा, उठना। अरे उठना यार, अरे यार सोता रहता है, मच्छर इसे नहीं काट रहे क्या? अरे कोई उठाए यार इसे। सोने दे मनोज को, उठ करके गोदी आ जाएगा। हाँ चलो, इसको सोने दो। चलो कहाँ चले गए सबके सब? मुझे छोड़ के चले गए और बताया भी नहीं। Uh-huh.
सुनो जीवा। हाँ बोलिए सर। यहाँ का मामला ठंडा हो गया है, तुम उसे लेकर आ सकते हो। हाँ अभी लेकर आता हूँ सर। ओके। हे, गाड़ी रेडी करो रे, जल्दी बीच पे पहुँचना है। हेलो, पूना वाली पार्टी हमारी पार्टी है, दो दिन में आके मामला सेट करता हूँ। नीचे तक जाके देखो। नहीं मिल रहा है हमें। एक बार और अच्छे से देखो। पूरा ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा है। कुछ भी करो उसे ढूंढ के लाओ, टेंशन मत दो मुझे। है? कुछ नहीं, सिर्फ पत्थर मिल रहे हैं, बोरी नहीं मिल रही। क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रहा हूँ ना, क्या हुआ लीना, क्या हुआ मुझे बता। बोरी मिल गई क्या? बोरी कहीं मिल नहीं रही। मिल नहीं रही? अच्छे से ढूंढो, यहाँ पे कोई बोरी नहीं है। कहाँ गायब हो गई पैसों की बोरी? तो आपको बहुत थोड़ा सा पैसा मांगा था, मगर आपने लाखों करोड़ों मेरी झोली में डाल दिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगता अब तो। One more please। अपन को भी एक मोर दे दो। ये मोर नहीं, ये वाला मोर। माचिस। थैंक्स। ओके ओके। सुनो, इस गाड़ी का नाम क्या है? बेंज। क्या बेंज नाम है लड़की की तरह, थोड़ा आदमी के माफिक नाम रखना चाहिए। कितने की है ये? 78 लाख। इसका कोई नया मॉडल आया क्या? चल चल हवा आने दे। मैं भी खरीद लूंगा। हाँ, और ड्राइवर तो इसे ही रखूंगा। ए रईस, पहले अपनी पैंट तो सिलवा ले।
वेलकम सर, आओ रानी। थैंक यू। जरा और तेज चलाओ। ए, बीच रास्ते में किससे बात कर रहा है? काम बहुत है, ओना चिल्ला रहा था, तुम जाओ मैं बाद में। अरे रानी, अपन को तेरे से बहुत जरूरी बात करनी थी। तुम जाओ, बाद में आती हूँ। अरे तुमको बताना बहुत जरूरी तुम है। समझ के नहीं रहे हो, जाओ। ओहो, ये तो सुनती ही नहीं है। अपने दोस्त को बताओ क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, उसने ये बात किसी और को बोल दी तो। केशव, पिछले 10 सालों से तुम ईमानदारी से काम कर रहे थे। ऐसा ईमानदार आदमी मुझसे दगाबाजी करेगा, वो भी पूरे 10 करोड़ रुपयों की सोचा नहीं था। इससे पहले कि वो पैसे तुम खर्च करो, आखिर तुम पकड़ ही लिए गए। अब मुझे ये बताओ, मुझसे चीटिंग करने की तुम्हें जरूरत क्यों पड़ी? सर, अपने बेटा बेटी को अमेरिका में सेटल करने के लिए सोच रहा था, इसीलिए गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए सर। केशव, जैसा तुम चाहते हो मैं तुम्हारे बेटे और बेटी को अमेरिका में सेटल कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, खासकर तुम्हारा पॉजिटिव कैरेक्टर। अफसोस कि ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में बदल गई है। नहीं नहीं सब 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 छोड़ दीजिए सब सब सब, अब गलती नहीं होगी सब 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 छोड़ दीजिए सब 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 सब, नहीं नहीं। हाँ जीवा, अब बोलो, मुझसे तुम कुछ जरूरी बात करना चाहते थे? हमने बहुत संभाल कर वो पैसे छिपाए थे, लेकिन पता नहीं वो पैसे कहाँ गए, ढूंढ रहे हैं। थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम जरूर वो पैसे ढूंढ कर आपको सौंप देंगे बॉस। कभी कभी किसी डीलिंग्स में मैं अपने आदमियों को वक्त देता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें 1 हफ्ते का मौका दूंगा, ढूंढ लेना। ड्राइवर, and
पुलिस वालों से खेल दिखाएगा, हाँ? बोल बोल, फिर कभी ऐसा करेगा, हाँ? पुलिस वालों को पीठ पीछे गाली देते हो और जब वो लोग सामने आ जाते हैं तो उन्हें सर कहते हो। आज मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, सबको सबक सिखाऊंगा। बस करिए साहब, क्या कर रहे हो साहब? हम कचरे में पैदा हुए, कचरे में पले बड़े साहब, आपके साथ दगा क्यों करेंगे साहब? हम सब बहुत गरीब हैं साहब, हमें छोड़ दो साहब। तुम सब गरीब हो या अमीर अभी पता चल जाएगा, जब पड़ेंगे डंडे ना तो सब उगल दोगे। ये मार क्यों रहे हैं? अरे हमने कुछ नहीं किया, इंस्पेक्टर की बीवी का हार गिर गया, इन्हें लगता है हमने चुराया है, इसीलिए ये हम सबको पकड़ कर यहाँ पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं। पहले बोल दिया होता तो पैसे दे दिए होते इनको। क्या ये तो क्या कह रहे हैं? वो कुछ नहीं भाई, हार के चक्कर में हम लोग के हाथ पैर ने टूट जाए। हाँ, सही। वो लड़के कौन है? ये लोग भी इनके साथ ही थे सर। तो देख क्या रहे हो, तोड़ डालो सबको। अच्छी तरह से धुलाई होगी तो सब। पंडित जी बिना मारे पूछताछ कीजिए आप। ठीक है सर, अब बताओ बीच पर तुम लोग गए थे कि नहीं? हम गए थे साहब, लेकिन सिर्फ कचरा उठाने गए थे। कचरा उठाने गए थे या गले से हार साफ करने गए थे? सर हम दूसरे के एरिया में कचरा नहीं उठा सकते हैं। हमें रूल रेगुलेशन सिखाएगा, भीनता है कचरा और बात करता है एरिया की, शयाना बनता है। सुनिए सर, इनको मारने से कोई फायदा नहीं है, ये जहाँ रहते हैं वहाँ चेक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। सर 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 सर, हम बहुत गरीब है सर, हमारे घर में तकिया भी नहीं है सर, हम लोग की झोपड़ी में आपको क्या मिलेगा सर? सबको मेरा नमस्कार। माना कि थोड़ा एड़ा है पर सही टाइम पे आया भाई। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। ये बुड्ढा यहाँ किस लिए? नमस्ते हवलदार साहब, ये सब हमारे बच्चे हैं। आपके बच्चे हैं? आपके घर में पैदा हुए या हमारे घर में? अरे वो कहीं भी पैदा हो सर, आई एम काउंसिलर जनक राजा, नहीं कनक राजा। पहले नाम तो ठीक तरह से बोलिए। अरे नाम में मत उलझिए सर, पहले मेरी बात सुनिए। ये बच्चे बड़े मासूम हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये बेसहारा बच्चे कचरा चुनते हैं, इनको मारने का हक किसी को नहीं है। जब तक ये कनक राज इस एरिया में है किसी पर भी अन्याय नहीं होने देगा, आपको कह देता हूँ। नहीं आपको कह देता हूँ। किसी से भी कहो लेकिन पहले अपना नाम तो कन्फर्म कर लो। अरे नाम में क्या रखा है, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ उस काम की बात कीजिए। अगर मेरी ऑटो चोरी हो गई तो मैं ऑटो वाले कोर्ट में जाऊंगा ना। ऑटो के कोर्ट में? हाँ मैं अंबानी के ऑटो संभालता हूँ ना, इसीलिए। अंबानी के पास ऑटो का भी बिजनेस है, ये आपको कैसे पता चला? हर चीज में मुझे अपडेट रहना पड़ता है सर। इस आदमी को आप ही लेकर आए हैं? हाँ साहब, मैं कब से मना कर रहा था लेकिन मेरी बात सुनी ही नहीं। आना पड़ता है सर, बिना आए काम कैसे चलेगा, हमारे बच्चों का सवाल है। सुनो 5 रुपए की 10 चाय लेकर आओ और इन सबको पिलाओ, मेहनत करके सब लोग थक गए हैं। 5 रुपए में 10 चाय? सुनिए पंडित जी, इन सब लोगों को बाहर कीजिए और इस आदमी को अंदर कीजिए। ठीक है सर। मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा सर, ऐसे ही काम करते रहिए। आपको कोई रोके तो मुझसे कहिएगा सर, बेगुनाह को सजा दीजिए और गुनहगार को छोड़ दीजिए सर, ऐसा ही होना चाहिए। अरे पंडित जी कौन है ये आदमी, बकवास किया जा रहा है? सर मुझे तो लगता है ये काउंसलर का चमचा है, इससे बातें करके तो सिर घूम गया। सर मुझे तो लगता है ये सब निर्दोष है, आप कहें तो इन्हें छोड़ दूं? हाँ छोड़ दीजिए। ओके। सुबह सुबह काम पर जाने के बजाय तुम लोग पुलिस स्टेशन किस लिए गए थे? पुलिस स्टेशन कोई गार्डन है क्या कि हम लोग घूमने गए थे? वही आए थे घर पर, मार मार कर हड्डी पसली एक कर दी। यानी आज काम पर कोई नहीं गया? पीने तक की ताकत नहीं बची साहब। हाँ, क्या आज की खबर पढ़ी आपने? कुछ खास खबर है क्या? पुलिस ने छापा मारकर 10 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी पकड़ी है, पता नहीं कौन है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पैसे हासिल करने से कुछ नहीं होता, उसे संभालना आना चाहिए। अगर 10 करोड़ रुपए मुझे मिले होते तो मैं उसकी प्लानिंग ऐसे करता कि मेरी घरवाली भी नहीं जान पाती, और उसे देखो 10 करोड़ रुपए ऐसे ही गंवा दिए। छह, इतने पैसे मिले तो पुलिस पकड़ती है क्या? सिर्फ पुलिस ही नहीं, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट, CBI, CID, हर डिपार्टमेंट पीछे पड़ जाता है। पैसे कहां से मिले, कैसे मिले, क्यों मिले, ऐसे हजार सवाल पूछकर जीना मुश्किल कर देते हैं। इतना ही नहीं, थर्ड डिग्री के टॉर्चर से बॉडी का ढांचा ही बदल देते हैं। पैसे तो लेंगे ही, जान भी ले लें तो कोई ताज्जुब नहीं। हाँ, हमारी शक्ल देखकर कौन पुलिस वाला हमें पकड़ने आएगा? अरे यार पुलिस वालों की निगाहें बड़ी तेज होती हैं, तुम नहीं जानते हो उन्हें, वो देखते ही समझ जाते हैं कि कौन चोर है कौन नहीं। इसलिए ऊपर वाले से दुआ करो कि कभी पुलिस वालों के हत्थे ना चढ़ना पड़े। जैसा कि साहब ने कहा, किसी पुलिस को या किसी और को पता चला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान ने जो मुझे पैसा दिया है वो मुझे बचाना ही होगा, ये बात मैं किसी को कह भी नहीं सकता, कह दिया तो पैसा गया। कहाँ जा रहा है? हाँ।
हाँ, ये कोई बैंक का लॉकर है क्या जो इतना बड़ा ताला लगाया? ऐसा कौन सा खजाना है तेरी झोपड़ी में? इसमें तो टूटी हुई कुर्सी, फटी हुई चादर, तेल का डिब्बा, ये सब कौन चोरी करेगा? पागल हो गया है क्या तू? चल दरवाजा खोल, मेरा सर दुख रहा है। अब से ऐसा ही होगा। अब से ऐसा ही होगा? अब क्या चाहिए तुमको? इस महान पैलेस में जो चाय की कटिंग है ना, वो पीनी है मुझे। अरे तुम्हें खंबाई चाहिए ना, चलो मैं दिलाता हूँ। तुम दिलवाओगे और मैं पीऊंगा? मुझे भिखारी समझ रखा है क्या? हैं? पिछले ही हफ्ते मैंने एक बहुत अमीर आदमी का बॉडी मसाज किया है, उसने खुश होकर मुझे खंबा दिया है। थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने अंदर रख दिया है। दरवाजा खोलना तू। तुझे विदेशी खंबा चाहिए ना, बस इतना ही ना? एग्जैक्टली, ये पकड़। बड़ा आया विदेशी पीने वाला, जाके पी ले। पैसे कहां से आए नहीं सोचना चाहिए, बस आ गए हैं तो एंजॉय कर लो। उसमें 12 करोड़ नहीं थे, 100 करोड़ रुपए थे। अरे उन पैसों का टेंशन नहीं है मुझे, यह मेरी जान का सवाल है। अगर मैं अपना सब कुछ भी बेच दूं ना तो 25 लाख रुपए नहीं होंगे, 100 करोड़ रुपए कहां से लाऊंगा? कहां जाऊं मैं, कहां जाऊं? रिलैक्स जीवा, टेंशन मत लो, पैसे मिल जाएंगे। ये लो पियो। भाई आप डरो मत, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये चल निकल। ज्यादा जोश में होश खो देता है आदमी, हमें संभल कर रहना होगा। जीवा, अजय सिंघाने के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। अगर हम 10 मिनट भी लेट हो गए तो बॉम्ब से उड़ा देगा हमें, इसलिए हमें बहुत सावधानी से कदम उठाना होगा। अपना बीपी मत बढ़ाओ। इलेक्शन का टाइम है, पैसे इस समय बाहर नहीं जा सकते। तुम डर क्यों रही हो? मैनेज करने के लिए कुछ पैसे चाहिए जीवा। मैनेज करने के लिए? कि लड़कियों के लिए? बात करता है बुड्ढा कहीं का। रजिस्टर ऑफिस में जाकर देखो, किसी आदमी ने नया फ्लैट रजिस्टर किया होगा। सारे रियल एस्टेट ब्रोकर से बात करके देखो, कोई नए घर की पूछताछ कर रहा था क्या? ट्रैवल एजेंट से पूछताछ करके देखो, वर्ल्ड टूर के लिए किसी ने टिकट निकाला है? सभी बड़े होटलों में जाकर पूछो, कोई बड़े बैग के साथ आया था क्या? इतना ही नहीं, सारे प्रोस्टिट्यूशन सेंटर में जाकर पता करो। पुलिस वालों से भी कहो कि वो लोग पूछताछ करें। गुम हुए पैसों में 25% अमेरिकन डॉलर है। ब्लैक मार्केट के अंदर किसी की भी जानकारी के बिना कोई भी $1 नहीं बदल सकता है। जीवा ने जैसा कहा, अगर हम वैसे ही करेंगे तो पैसे मिल जाएंगे। खड़े मत रहो, निकलो सब यहाँ से। रुको रुको, अरे तुम शॉपिंग मॉल चलोगे क्या? कौन सा शॉपिंग मॉल? अरे वही पे जहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सिग्नल के पास। सिग्नल के पास 300 रुपए होंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलेगा। पहली बार ऑटो में बैठ रहे हो क्या? हाँ, हर बार मैं अपनी कार से ही जाता हूँ, मगर इस बार सोचा कि ऑटो से चला जाऊँ। हाँ हाँ, बस यही यही। हाँ यही, रोक दो रोक दो। यही है यही है। कितना हुआ? कहाँ ना 300 रुपए हुए। ये लो। ठीक है भाई। बोलिए सर, क्या चाहिए? कोट चाहिए। कोट चाहिए? नीचे है सर। हाँ चलिए, इधर आइए सर। हाँ, ये सब लेटेस्ट मॉडल है, आपको जो चाहिए पसंद कर लीजिए। सर ये लेटेस्ट मॉडल है। हाँ ये वाला। हाँ ये लीजिए सर। हाँ लगता है ये मुझे आ जाएगा। कितना हुआ? 13,000 ओनली। मैं नहीं समझा। सर आपको जो चाहिए आप इसमें से ऑर्डर कर सकते हैं। ओ अरे यहाँ तो सब सफेद पेन से लिखा हुआ है, मुझे लगता है
ये सबसे अच्छा और सबसे बड़ा होगा। हाँ ये लेके आओ। सर वो साहब हमारे जनरल मैनेजर हैं, आप उन्हें नहीं खा सकते। आप कुछ और बताइए, मैं वो ले आता हूँ। ओह इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। इसका कलर बहुत अच्छा है, एक ये लेके आओ। एक प्लेट मुगल बिरयानी, और कुछ चाहिए सर? हाँ एक ही, इतना ही बस। ओके सर, सैलेड्स चाहिए? उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही लेके आओ। ओके ठीक है सर, मैं लेके आता हूँ। जरा ज्यादा लेके आना। ये है ब्रांडेड शूज। बात वो नहीं है, तुमने शूज उल्टी पहन रखी है। फैशन? कौन सा फैशन है ये? हाँ दीजिए दीजिए। ये हो गया, ये ले जाइए, ये भी। सर सर वो फिंगर बोल है सर, हाथ धोने के लिए। एक और लेके आओ। सर आप ये ऑर्डर नहीं कर सकते, ये हाथ धोने के लिए है। मैं बाहर हाथ धो लूंगा, अब लेके आओ ना। धत सिर्फ क्लोज आदमी के साथ ही डील करता है ये सुसाई, बाकी लोगों के साथ फील करता है। वैसे भी स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, टायरलैंड, ये क्या बोल रहे हैं, युगोस्लाविया, मित्सुबिशी, इन सब जगहों पर मेरे सीक्रेट एजेंट बैठे हैं। बड़े बड़े वीआईपी मुझे पैसे देते हैं, उन्हें मैं लेकर बैंक में डिपॉजिट करता हूँ। और मेरा लगता है ये बहुत पैसे वाला है, 5 पैसे भी इधर उधर नहीं होने दूंगा। मेरे पास पैसे है, मैं लेकर के आता हूँ आपके पास। ओके थैंक यू, मुझे कॉल कीजिएगा। नेक्स्ट वीआईपी भाई, कैश में बाहर निकल के देता हूँ। सर आपको पेमेंट यहीं करना होगा। ठीक है फिर ले आओ। अरे अरे रुक जा, अरे कहाँ जा रहा है, अरे रुक जा, अरे उसमें मेरी अमानत है, अरे क्या कर रहा है, कहाँ भाग रहा है, अरे रुक जा। ये तो मुझसे भी तेज दौड़ रहा है, लगता है यहीं का लोकल आदमी है, छुपना पड़ेगा। कहाँ भाग गया पता नहीं, कहाँ ढूंढो उसे। इसने तो दौड़ा दौड़ा कर मेरी सांसें फुला दी, देखते हैं इसमें माल क्या है। ऐसा सूट बूट पहने हुए आदमी और कपड़े इस तरह से कचरे, क्या है, अजीब आदमी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या है ये? मेरी जायदाद है, रख लो। हाँ क्यों रहे हो? लॉन्ग रनिंग बट नो यूज। यस नाउ व्हाट? कुछ तो देना पड़ेगा। 500? पसीना काफी बहा है। 1000 प्लस सर्विस टैक्स। कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी जायदाद तुम्हें वापस मिल गई ना? नो प्रॉब्लम। 2000 नॉट बैड। इस एपिसोड को आगे कंटिन्यू करें चलेगा? जूते पड़ेंगे चलेगा। मैंने तो बस चांस लिया था, गुस्सा क्यों होते हो? कहाँ हो तुम? कम से कम फोन तो करना चाहिए ना। अरे छी चल, हमेशा झूठ बोलते रहता है ये। सूट बूट पहन के कहीं ये मनोज वही लग रहा है। अरे ये तो मनोज ही है। चाचा। हाँ क्या हुआ? आपके बोरे में कितने का माल है? 300-400 रुपए का होगा, और क्या। ये लो 500 रुपए, रखो।
और सारा माल दे दो। इसे खोलो। ठीक है, ठीक है। आइए धर्म सर, किसी ने भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सारे पुराने ही आदमी हैं। अगर मुझे किसी पे शक हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। चलो दूसरी जगह देखते हैं। भाई यहाँ ऐसा कोई नहीं आया जिस पर शक हो। बेटा दूध की थैलियां बाहर निकाल लेना। ठीक है भैया। अरे बेटा मनोज आजा, तेरे सारे दोस्त आकर चले गए, तू ही पीछे रह गया। अच्छा माल लाया है ना? देख लीजिए। हाँ ठीक है, 40 किलो ₹400 हो गए, जा ले ले। क्या बात है मनोज, कहाँ से लाए माल, बहुत तगड़ी चीज लाए हो, अब तुमसे गलती नहीं होती। धन्यवाद साहब, हर दिन एक जैसा थोड़ी ना होता है, मैं भी अब सब सीख गया हूँ। अच्छा माल है। मनोज कितना हुआ? ₹400 हुए। ये बोरी ऊपर रख दो। ये लो। शुक्रिया। अच्छा सुनो, जो पीवीसी पाइप है उन्हें ले जाकर गोदाम में रख दो। जाओ। ठीक है, आज फिर संभाल कर ला रहा है कुछ। सेठ जी वजन कर लीजिए। इंग्लिश पेपर है ना? वही इंग्लिश पेपर। अच्छा, और 65 किलो वजन होगा? बिल्कुल 65 किलो। अच्छा एक बात है, पिछले 3 महीनों से तुम हर दिन 65 किलो ही लेकर आते हो। वो क्या है ना सेठ, इंसान को ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। मुझे 65 किलो मिल गए ना बस, उससे ज्यादा की इच्छा नहीं है मेरी। सही कहा ना सेठ? सही है, सही है। अरे सेठ ये गड़ासा से मुझे काटने वाले हो क्या? अरे तुम्हें नहीं भाई, इस गोनी को। अरे नहीं पापा, क्या हुआ? चल रहा है बाहर। ए, ये क्या है, इंग्लिश पेपर से हिंदी में डायलॉग कहाँ से आ रहे? अरे वो क्या है ना सेठ, चल खोल इसे। जल्दी, आज तेरे नाटक का पर्दाफाश हो जाएगा। पापा ये मुझे मार देते और आप ऐसे खड़े रहते, मैं बेहोश होने वाला था, पता है आपको? बेटा तू इस लड़के का बाप है। ये बात तो सभी जानते हैं सेठ। बेटे को इस तरह बोरी में भर के हेरा फेरी करते शर्म नहीं आई तुझे? आज पहली बार हुआ है, आज एडजस्ट करके माफ कर दीजिए ना सेठ। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, तुम 3 महीनों से हर रोज 65 किलो वजन का दाम इस बच्चे को लाकर मुझसे ऐंट रहे हो। पूरे 3000 किलो का चूना लगाया तुमने। हिसाब तो सही लगाया सेठ। क्या बुदबुदा रहा है? कुछ नहीं सेठ। अब ध्यान से सुन, तू और तेरा बेटा मेरी दुकान में पूरी जिंदगी काम करेंगे। चला, सबको चूना लगाता हूँ मैं, और मुझे चूना लगाने चला था। अगर बच्चे के अलावा अपनी बीवी को भी ले आता तो शायद कुछ ज्यादा कमा लेता मैं। आप अगर चाहें तो अनऑफिशियली मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सरकार तुम्हें जितना देती है उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे तुम्हें। ओके थैंक यू। हाँ ये चलते हैं। जीवा अच्छी खबर के साथ आऊंगा। बोलो कादिर भाई। कोई नई खबर नहीं है जीवा, सब कुछ पुराना है, सारे छोटे छोटे अमाउंट है, बड़े लेवल पे कुछ नहीं हुआ है। अगर मेरी नजर में कुछ भी आता है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म जरूर करूंगा। डरो मत, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। चमन सेठ। बोलिए मैडम। कुछ पता चला क्या? कुछ पता नहीं चला मैडम। तुम लोग अलर्ट रहना। हाँ। मुझे खबर देते रहना। ठीक है मैडम। सुनो जीवा, किसी बात की टेंशन मत लो, पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, रिलैक्स। मनोज तुम भी थोड़ा लो ना। दो। क्या बात है मनोज, आजकल मटेरियल बड़ा अच्छा लाने लगा है। अरे भाई की चाय मिल रही तो पीना, फालतू में बकवास क्यों करता है तू? तुम्हें जो खाना है खाओ, आजकल मुझे बहुत अच्छा मटेरियल मिल रहा है। क्या बात है मनोज, तू भी अभी सीख गया। अरे मंदे, आदमी मिल गया तो माल मिल जाएगा, और माल मिल गया तो प्रमोशन। सही बात है। सर आप किसको ढूंढ रहे हैं? सर ए, तेरे को इससे क्या? अगर मुझे पता चला कि आप किसे ढूंढ रहे हो तो मैं बताऊंगा आपको। हमारी रेखी कर रहा है क्या? तुझे भी अंदर जाना है, चल भाग यहाँ से। वो देख उस घर में ताला लगा है, शायद इसी में छुपा हो। चलो खोल कर देखते हैं। अरे वो देखो भाग रहा है। रुक रुक भागता किधर है? चल छोड़े भाग ले जरा। चल बोल रहा कहाँ बसे, बता कहाँ बसे, मैं मार मार के हड्डी तोड़ देगा तेरे। चल
डर मत मनोज, डर मत। मैंने तेरे पैसे देख लिए हैं, पर तू डर मत, कुछ नहीं करूंगा। मैंने पहले भी कहा था, फिर से कहता हूँ, पैसे कहाँ से आए मत सोचो, इंजॉय करो, इंजॉय। अगर ये सब छोड़कर तुम ये सोचोगे कि ये पैसे कहाँ से आए, किसके हैं, तो सारा का सारा मूड खराब नहीं हो जाएगा क्या? एक छोटी रिक्वेस्ट है। अपने देश का अजूबा ताजमहल, पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत जगह है ये। अनारकली के लिए शाहजहान ने बनाया था, या मुमताज के लिए अकबर ने बनाया होगा, मुझे पता नहीं, पर इतना पता है कि दिल्ली के पास है और ये देखना बहुत जरूरी है। पर इसके लिए मुझे थोड़ी मदद चाहिए, और अब कौन करेगा मेरी मदद? ज्यादा नहीं चाहिए, तू बस 50,000 दे देना, मैं ताजमहल देख के आऊंगा। अभी के लिए मेरी एक ही इच्छा है, बाद में का बाद में देखेंगे ना, और मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। सच कह रहा हूँ, नहीं बताऊंगा भाई, कसम खाता हूँ, ताजमहल की कसम। गिनने की क्या जरूरत है, जितना है दे दे, तू ही मेरा अकबर है। जब तक मेरी जान में जान है, इस पैसे के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अब दिल्ली दूर नहीं, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। चका 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 चका, कितना मजा आएगा। बाय। क्या हुआ, मनोज को ढूंढ रही हो? हाँ, उससे मिले 2 दिन हो गए, फोन किया तो उठाया भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तुम जानती हो ना वो कहाँ रहता है, इसलिए तो मैं साथ लेकर आई हूँ। मनोज तो यही रहता है, तुम मैं यही रहने वाली हूँ, ये सारी जगह को अच्छे से देख लो तुम। हाँ, वो सब मैं देख लूंगी। ये रहा मनोज का घर, वो देखो, वो रहा तुम्हारा मनोज। रानी, तुम आज यहाँ कैसे? क्यों सर, 2 दिन से दिखाई नहीं दिए और फोन तक नहीं किया। वो क्या है कि आजकल काम बहुत है और ऊपर से बुखार भी है। बुखार मुझे। था, दवाई ली तुमने, हॉस्पिटल गए? हाँ, थे। अंदर चलो, बाहर बहुत धूप है। अरे नहीं नहीं, चलते चलते बात करते हैं। पागल, पहली बार रानी तेरे घर आई है, बाहर खड़े खड़े बात कर रहा है, उसे अंदर लेके जा। पता नहीं अभी अंदर क्या छानबीन करेगी। इसे यहाँ से कैसे भी बाहर निकालना होगा, पैसे पे किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। मैं तुम्हारा सर दबा दूँ? नहीं रानी, कोई जरूरत नहीं। हम कहीं बाहर चले क्या? पैसे हैं? है। कहाँ से आए? वो क्या है ना, कचरे में मुझे एक फाइल मिली थी, जिसकी थी उसे लौटा दिया, तो उसने मुझे बहुत पैसे दिए। सच में? लॉजिक नहीं इसमें कोई, इसमें तो बस मैं।
मैजिक है, आंख आंख से मिलते इसमें होता हिप्नोहाइज है, खुद की भी खबर नहीं ऐसा इसमें नशा। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ सर, कोई खबर मिली क्या? देखिए हम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं पर अभी तक हमें ऐसी कोई गाड़ी मिली नहीं है। जैसे ही वो मुझे मिलता है मैं आपके पास चलाऊंगा। वो बचकर निकलना नहीं चाहिए सर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो जो भी है बच के नहीं जाएगा, वो हमारे हाथ जरूर आएगा। ओके, आपको पैसे जल्द ही मिल जाएंगे, आप जाइए। ओके ओके सर, ठीक है, चलो भाई बाहर निकलो सब। अरे ऐसे थोड़े होता है, गरीब लोग थोड़े होता है, हम लोग कहाँ जाएंगे? सर सर क्या करें, क्या करें सर, आप अंदर क्यों जा रहे हैं सर? आप ये क्या कर रहे हैं सर? कहूंगा तेरे को समझ में आएगा, काम करने दे, चल हट यहाँ से। सर ये यहाँ पे बुलडोजर क्यों आया है सर? तुम्हारे झोपड़े तोड़ने के लिए और काय के लिए आए? गवर्नमेंट की जमीन को अपने बाप की जमीन सोच के अपना घर बना के बैठ गए। तो क्या हुआ, झोपड़े तोड़ने के लिए कितनी बार नोटिस दिया गया ना, ऐसे थोड़े छोड़ेंगे, अभी कोई सुनवाई नहीं, खाली करो जगह। ये सारी झोपड़ियां टूटने वाली है, निकलो यहाँ से तुम लोग, चलो चलो खाली करो जगह, ये सब टूटने वाली है। और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या सर? सर क्या हमारी झोपड़ियां तोड़ने वाले हैं? क्यों इन सबसे तू अलग है क्या, नोटिस नहीं मिला तेरे को? चलो पीछे हटो। सर आज तोड़ने वाले हैं या कल तोड़ने वाले हैं? पाँच मिनट के अंदर तोड़ने वाले हैं। सर सर मुझे थोड़ा सा समय दीजिए सर, क्यों? ताकि मैं अपना सामान ले जा सकूं। तुझे समय चाहिए, तू क्या मिनिस्टर है? चल भाग यहाँ से। सर प्लीज सर, प्लीज सर, अगर हम एक एक झोपड़े को टाइम देंगे ना तो पूरा खाली करने में हफ्ता लग जाएगा। चलो प्रोसीड। एक मिनट, आप लोग रुक जाइए, मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आया हूँ। आखिरी मिनट में स्टे ऑर्डर लेकर आ गए आप, झोपड़े तोड़ने का काम रोक दिया आपने। भगवान सबके साथ होता है सर। एक तरफ सरकार कहती है कि तोड़ दिया जाए, दूसरी तरफ कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू वही सरकार कहती है कि रोक दिया जाए। ये आखमी चोली का खेल चलता रहेगा। चलो गाड़ी निकालो। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग आराम से रहिए। ओहो तो मेरा एटीएम यहाँ बैठा है, भगवान माफ करना। भाई मनोज। अरे भाई मैं हूँ, डरो मत, भगवान ने तुम्हें जो पैसे दिए हैं वो तुम्हारे पास ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अरे मैंने तुमसे पिछली बार वादा किया था ना, भूल गए क्या? अब जिस चीज के लिए आया हूँ वो बताता हूँ। जहाँ पना आपकी मेहरबानी से इस गरीब को ताजमहल के दर्शन हो गए। क्या नक्काशी की है संगे मरमर पर, देख कर तो दिल ही आ गया, अंदर से फीलिंग जाग गई, फीलिंग। अब एक काम की बात सुनो, ये देखो ये गोवा का नक्शा है मेरे भाई, यहाँ ना जाने कितने देशों से लोग आते हैं और धूप में लेटकर क्या मजा करते हैं। उन्हें देखकर मन करता है मैं भी गोवा जाऊं। कैसे? अब देखो मैन, मेरी मदद कर दो, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस 50,000। आखिरी बार मांग रहा हूँ, बस फुल एंड फाइनल। पिछली बार तुम्हें दिया था ना, अब नहीं दे सकता, जाओ। मतलब तुम पैसे नहीं दे सकते? नहीं दे सकता। ओके ठीक है, ठीक है भाई, अब देख मैं क्या करता हूँ। पुलिस को सब बता दिया तुमने?
अगर मैंने पुलिस को बता दिया तो क्या फायदा होगा? ना तुम्हारा फायदा होगा ना मेरा। अपना भाई समझकर तुमसे थोड़े पैसे मांग रहा हूँ। देख मेरे भाई, तुझे पैसे मिले इस बात से मैं बहुत बहुत खुश हूँ। उसमें से थोड़े अगर तुम मुझे दे दोगे तो बस उधार मांग रहा हूँ। जब मेरे पास आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, सच कह रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है ना? देखो मैं अपनी मरी हुई नानी की कसम खा के कहता हूँ, इसके बाद नहीं मांगूंगा। देखो ये आखिरी बार है, इसके बाद नहीं दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मांगूंगा, तुम इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो। हे गाड़ी रोकना। क्यों क्या हुआ? जीवा वहां देखो। ये हमारे बैग की रस्सी है। वो चप्पल उसी के हैं जिसने पैसे चुराए हैं। इस चप्पल की साइज देखकर लगता है ये किसी छोटे लड़के की चप्पलें हैं। इतने इंटीरियर में कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता है, ये किसी अंदर वाले का ही काम है। दो दिनों के अंदर उस आदमी को ढूंढना ही होगा। ढूंढ निकालो उस आदमी को। जस्ट 100 crores बहुत छोटा अमाउंट है, इसे हम आसानी से स्विस बैंक में जमा कर सकते हैं। मैं कोई टेंशन नहीं है। हेलो लीना, धर्मा और लॉयर को होटल लेकर जाओ। किस ले जीवा? यू आर लकी मैन, कचरे में से 100 करोड़ रुपए मिले। बट वन थिंग, इसे डिपॉजिट करने के बाद मेरा कमीशन 1%। हार्ड कैश सूटकेस में भर के चाहिए। वो तो मैं आपको दे दूंगा सर। अगर मेरा स्विस बैंक में अकाउंट खुलता है तो मैं वहाँ से पैसे निकाल सकता हूँ ना सर? ये आपके पैसे हैं सर, आप अपने घर में बैठे नेट से निकाल सकते हैं, ATM से निकाल सकते हैं, किसी भी मार्केट से ले सकते हैं। मार्केट से? मनी मार्केट। स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, मित्सुबिशी, इन सब जगहों पर मेरे एजेंट काम कर रहे हैं, वो आपकी मदद करेंगे। मैं उनके हवाले आपको कर दूंगा। मतलब आपका कॉन्टेक्ट नंबर उनको दे दूंगा। जीवा नहीं आया, उसने तुम लोगों को भेजा है। आपने पैसे कहाँ रखे हैं और मुझे हैंडओवर कब करेंगे? पैसे मेरे ही पास है। हाँ। आप जब बोलेंगे आपके हवाले कर दूंगा। ओके। पैसे कहाँ? ढूंढ रहे सर, जैसे मिल जाएंगे आपके हवाले कर देंगे। पुलिस वालों का डायलॉग मुझे नहीं सुनना। पैसे मिले या नहीं मिले, सिर्फ ये बताओ आने वाले 2 दिनों में मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मेरे फ्लाइट पकड़ने से पहले मेरे सारे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, नहीं तो जीवा अपनी जान से जाएगा। ऑल आउट। कल मुझे पैसे दे देना, मैं कल ही डिपॉजिट करवा दूंगा। घबराने की बात नहीं है। आपको पैसे यहाँ आकर छुपा हुआ है। पकड़ो इसे, अच्छे से पकड़ो। क्यों पकड़ रहे हो? उन्हें स्ट्रॉन्ग डोज देना है। पागल भाग के आया है, इसने तो हम सबका दिमाग खराब करके रखा है। ले चलो इसे, पागल था क्या? और थोड़ी देर हो जाती तो पैसे भी जाते और पुलिस भी पकड़ लेती मुझे। लगता है पागल है कोई। ये है ट्रैवल टीवी और आज हम आए हैं गोवा। अरे यार तुझे गर्म ही लानी थी क्या? अगली बार ठंडा लेकर आऊंगा ना। एक्सक्यूज मी सर। डार्लिंग, यस। आप मुंबई से हैं? मुंबई का बादशाह। आप गोवा पहली बार आए हैं सर? सिली क्वेश्चन, मैं हर हफ्ते गोवा आकर एंजॉय करता हूँ। सैटरडे सुबह फ्लाइट से आता हूँ और संडे रात को यहाँ से जाता हूँ। बीच का सारा वक्त बीच पे इनके साथ मजे करता हूँ। जब मैं जाता हूँ बिचारी फुदक के रोती है। भाई ये कचरे वालों की कॉलोनी में रहता है, ये वहाँ गोवा में क्या कर रहा है? ये कचरे वाला गोवा कैसे पहुँच गया इसका पता करना पड़ेगा। गोवा अकेले ही आए हैं सर। है? गोवा में कोई अकेला होता है क्या? यहाँ तो परियां ही परियां हैं मैडम। सर आपका स्टाइल बहुत अच्छा है। तो आप मेरा स्टाइल देखना चाहेंगी? श्योर सर। अभी देखिए।
मुझे इस आदमी पर शक हो रहा है, अभी जाकर उठा कर लाओ। ए, गाड़ी रोको। ए, यहाँ आओ। क्या हुआ भाई, हमें क्यों बुला रहे हो? एक घुंघराले बालों वाले लड़के को देखा है क्या? वो तो शहर शहर घूमता रहता है। वो पिछले हफ्ते ताजमहल देखने गया था। दो दिन पहले ही गोवा गया था, आजकल उसके तेवर ही अलग है। ए, अगर वो कहीं देखे ना तो आकर सीधा मेरे को बोलना, समझा? क्या बताएगा? इसी एरिया में वो घूम रहा था, आप लोग अच्छी तरह से देख लेना। चलो भाई, चलो आगे चलते हैं। आओ, मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम कर। रात को ऐसा क्या घूर रहे हो? अमीर आदमी नहीं देखा क्या? अरे नाटक क्या कर रहे हो? तुम्हें ढूंढने के लिए चार लोग आए थे, वो शक्ल से तो गुंडे लग रहे थे, कह रहे थे तुम्हें जान से मार देंगे। उन्होंने ऐसा कहा क्या? हाँ। देखो यार, तुम लोग मुझे ऐसे डरा क्यों रहे हो? कह रहे थे कि वो शहर शहर घूम रहा है, ताजमहल देखने गया, अभी गोवा घूमने गया है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो मनोज के पास जो पैसे है कहीं ये उन लोगों के तो नहीं है? अब मनोज को बचाना होगा और खुद को भी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देखो भाइयों, तुम लोगों ने कहीं उन लोगों को मेरा पता तो नहीं बताया ना? तुम्हारे दोस्त थे तो हमने बता दिया, यहीं पर रहते हो। अरे तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी जान के दुश्मन बने हो, कितना खिलाया पिलाया सब कुछ वेस्ट कर दिया। वो सब उसी तरफ है, जरा संभाल कर जाना, देख लिया ना तुम पकड़ जाओगे। तुम कहाँ गया होगा, दिख ही नहीं रहा। ये तो सामने से आ गए, अब क्या करूं? समझ नहीं आ रहा, कचरा पेटी जिंदाबाद, जान बचानी है तो सोचना कैसा, इसी में घुस जा। आखिर गया कहाँ? होना तो यहीं चाहिए, उसने तो कहा था यहीं कहीं होगा। अरे यार कितनी गंदी बदबू है, ऐसे में बाहर निकला तो मेरी मौत तो पक्की है। रुक जा बेटा, जगह तो यही बोली थी यार। अरे वो यहीं तो था, आपने देखा नहीं क्या? हाँ, ये कहाँ से आ गया, मेरी मौत का फरिश्ता। अरे बचकर जाएगा कहाँ, यही कहीं होगा। मिल दे दो उसे, छोड़ेंगे नहीं उसे, काट के रख देंगे उसे। ये दही कब से खराब हो गई थी, तुझे बोला था ना फेंकने के लिए, इसे फेंकने का टाइम भी नहीं मिला तुझे। हाँ, वो इसी एरिया में कहीं ना कहीं होगा, किसी के घर पर छुपा होगा। एक बार मिल तो सही, छोड़ेंगे नहीं उसे। अरे जाओ ना, आप दही का छाछ पी के जाओगे क्या? थैंक यू वेरी मच आंटी, मुझे दही से नहलाया, थैंक यू। ये तो काफी अच्छी बिल्डिंग लग रही है, मगर सिग्नल के पास जो बिल्डिंग बन रही है वहाँ लेते हैं, वो काफी नजदीक है। क्यों भाई, बहुत देर से ही खड़ा है, कोई बात है क्या? अरे कुछ नहीं, इस बिल्डिंग की कीमत क्या होगी? 5-6 करोड़ तो होगी यार। सिर्फ 5-6 करोड़? लगता है नींद पूरी नहीं हुई तेरी। बोलो रानी। मेरी माँ ने मेरी शादी तय कर दी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अब हम क्या करेंगे? तुम रो मत रानी, तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मनोज, मैं बुलाऊंगा तो तुम आओगी क्या? तुम बुलाओ और मैं ना आऊं हो सकता है क्या? ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, जैसे कुछ होता है मैं फोन करता हूँ, तुम तैयार रहना। मैं बस डिपो के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जरूर आना, आओगी ना? जरूर आऊंगी मनोज। रानी अब तुम रो मत, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। मनोज, अपना गणेश है ना, वो 300 रुपए के लिए ड्रेनेज साफ करने नीचे उतरा था, अंदर उसका दम घुट गया, अभी उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ मनोज सही बोल रहा हूँ, तुम जल्दी जाओ वहाँ, साहब भी नहीं है, मैं क्या करूँ? अरे क्या जरूरत थी उसे बताने की कि मैं वहाँ गया हूँ? अरे तू चुप नहीं रह सकता? गणेश क्या हुआ? उसे एडमिट किया है, जा अंदर जा, जल्दी जा, चलो। आओ मनोज, ये लोग बोल रहे हैं पैसे नहीं देंगे तो गणेश मर जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मुझे बचा ले भाई, मैं हूँ ना, चिंता मत कर, मैं कुछ ही दिन में मर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। तू चिंता मत कर, बचा ले मनोज, जितने भी पैसे लगेंगे ना मैं दे दूंगा, तू चिंता मत कर। सुनिए उन्हें मास्क लगा दीजिए, पेशेंट को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब बाहर जाइए। घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा और उस ऑपरेशन के लिए 1,00,000 रुपए चाहिए। गणेश, गणेश चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू पैसों की चिंता मत कर, मैं हूँ ना। तुम टेंशन मत लो, हम सब बाहर ही रुको, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ, ठीक है ना? जल्दी आना मनोज। देखे पैसे वहां जमा करा दो। हाँ मैं वो पैसे ही लेने जा रहा हूँ। आपने जितने पैसे कहे थे मैं लेके आई हूँ, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? जीवा, रामचंद्र का फोन आ रहा है। कहो हॉस्पिटल में हूँ, बाद में आकर मिलता हूँ। ठीक है। कौन सा फ्लोर है?
सेकंड फ्लोर पे भाई। लगता है टॉर्चर के डर से पहले ही हॉस्पिटल में आके एडमिट हो गया। मनोज को कहीं से बहुत सारे पैसे मिल गए, अब उस पैसों से इसका इलाज आराम से हो जाएगा। बीच में खड़ा है। ये तो जीवा है। अच्छा हुआ इसने मुझे नहीं देखा। मैं सोच रहा हूँ कि पैसे मनोज के पास। कहाँ से? उस सबसे तुझे क्या करना है? तुम्हें 1 लाख की जरूरत है ना? हाँ, तो तुम्हें 1 लाख मिल जाएंगे। गणेश का ऑपरेशन भी हो जाएगा। बेकार की बातें सोचना छोड़ो और जाओ उसकी देखभाल करो। जाओ। सर यही है जिसने ऑफिस से पैसे चुराए। चोर कहेंगी, चल सारे पैसे निकाल। ये लोग बहुत शातिर होते हैं, यहाँ कुछ नहीं बोलेगी ये। इसे थाने लेकर चलो, सब बता देगी वहाँ पर। सर मुझे जो चाहे कीजिए, मारिए पीटिए, चाहे तो जेल में डाल दीजिए, पर मेरे पति को बचा लीजिए। हमारे सामने सेंटीमेंट की बात कर रही है, ले चलो इसे। आपको इससे जो भी पूछना है पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछिए। इसके पीछे कौन है, इसके परिवार वाले, इसके दोस्त, उन सबसे पूछताछ कीजिए। शहर में बहुत लोग हैं जो पैसे चुरा कर भाग रहे हैं। ऐसे केस की इंक्वायरी पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए। चलिए जाइए, ले चलो। पुलिस स्टेशन जाकर प्रूफ दिखाइए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। जी सर। तो मेरे साथ चलो। कुछ मत करिए, मैडम मत कर, छोड़ दीजिए। बहुत बोल रही है, चल प्लीज मैडम। अब देख कितने सालों के लिए तुझे अंदर करती हूँ। मेरी बात सुनो, कचरे में पड़े हमारे पैसे किसी ने उठा लिए हैं। जीवा उसे जी जान से ढूंढ रहा है, बस देखते रहना, वो हमारे हाथ जरूर लगेगा। अगर वो जीवा के हाथ लग गया ना, तो जीवा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, काट के रख देगा। जब तक पैसे नहीं आ जाते, उसे चैन की नींद नहीं मिलेगी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, शाम को मिलते हैं। सर, वो ड्रेनेज पेशेंट काफी सीरियस है। पैसे के बिना हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं सिस्टर, उसे म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाइए। उसकी फोन की रिंग बज रही है, लेकिन वो कट कर रहा है। ऑपरेशन का टाइम हो गया, पता नहीं मनोज पैसे लेकर आएगा कि नहीं। वो आएगा, आएगा, ये सोचकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगा वो जरूर आएगा। उसे आना होता तो अब तक आ जाता। पता नहीं अब गणेश का क्या होगा। सब गाड़ी में आ जा, चलो। अरे गणेश, क्या हुआ? चला जा यहाँ से, कितना लालची है। हम इंतजार करते रहे लेकिन तू पैसा लेके नहीं आया। देख अब तेरी वजह से क्या हो गया। नहीं, तू हमें छोड़ के गणेश को हाथ नहीं लगाएगा। सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है। तूने अपने दोस्त को सिर्फ पैसों के लिए, तू कुछ नहीं बोलेगा। तेरे लिए पैसों की कीमत जान से भी ज्यादा है क्या? मैं चोर हूँ, हाँ मैं चोर हूँ, लेकिन हमेशा अपने दोस्तों पर खर्चा किया है, एक बार भी नहीं सोचा। आज सिर्फ गणेश नहीं मरा, गणेश के साथ हम सब की दोस्ती भी मर गई है। जा, हम लोग तुझसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन मेरी बात तो सुन यार, कोई मेरी बात तो सुन। नहीं सुनना है, जा रख अपने पैसे। तेरी दोस्ती से अच्छा तो हम किसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे देंगे। गणेश की मौत के लिए तू ही जिम्मेदार है, तू ही जिम्मेदार है मनोज। बोलो मनोज, तुम कहाँ हो? दुकान में हूँ। वो मैंने हमारे यहाँ से जाने का इंतजाम कर लिया। ठीक है, आती हूँ। कहाँ आना है? वो बस डिपो के पीछे, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। रानी, तुम वहाँ टाइम पे पहुँच जाओगी ना? जरूर आऊँगी, भरोसा रखो। तुम सच बोल रही हो ना? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं जरूर आऊँगी। मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे आ रहा हूँ, मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना? रानी, हम जहाँ भी रहेंगे बहुत खुश रहेंगे। रखता हूँ रानी। तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर आऊंगी।
अगर अगली बार कोई बहाना लेके आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानी ये सारे रैक को अच्छे से साफ कर दो। ठीक है मैडम। ये फोन किसका है रानी? मेरा है मैडम। 5,000 कमाती हो और 50,000 का फोन रखती हो, संभल कर नहीं तो कोई तुम्हें भी उल्लू बना देगा। ये लो रखो। इस फोन की कीमत 700 रुपए ही है। क्या हुआ मनोज, शहर छोड़कर जा रहे हो? हाँ भैया, बस अपने गांव जाना चाहता था। ठीक है चलो पहले चाय पी लेते। आप जाकर पी लीजिए भैया, रानी आती ही होगी। वो जैसे ही आती है मैं आपको फोन कर लूंगा, आप जाइए। अच्छी बात है। ये फोन कितने का है? अब ये सब क्यों पूछ रहे हो? कितने का है बताओ। 700 रुपए होगा। क्या कहा तुमने? अब मार क्यों रही हो? बता तो दिया 700 रुपए। झूठ बोल रहे हो? दिखा दिया ना तुम क्या हो। इसकी कीमत 50,000 रुपए है, कहाँ से आए इतने पैसे? अब ये सब किस लिए? रुको मैं दिखाता हूँ, इधर आओ। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, देखोगी तो खुश हो जाओगी। देखो रानी, ये सारा पैसा हमारा है, हमें हमारी जिंदगी जीने के लिए इतना पैसा काफी है रानी। कहाँ से आई है पैसे? ये सारा पैसा तुम्हारे लिए है रानी। कहाँ से आई ये बताओ, किसके लिए नहीं पूछा? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो रानी? इतना सारा पैसा देख के तुम खुश नहीं हो रही हो? इतना पैसा जिंदगी जीने के लिए काफी है। लोग ये नहीं देखते कि इंसान कैसा है, वो ये देखते हैं कि इनके पास कितना पैसा है। इन सारे पैसों से हमारे जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान किसी के बिना भी जी सकता है, माँ बाप भाई बहन किसी के बिना भी जी सकता है, मगर पैसे के बिना नहीं रह सकता है। इतने सारे पैसे देखने के बाद भी तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि हम अच्छी तरह जी सकते हैं? पैसों को देखकर कई लड़कियों का दिल बदल जाता होगा, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। गलत काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। इन पैसों को ढूंढते हुए जरूर कोई आएगा। आज तुम इसके लिए झूठ बोल रहे हो, कल इसके लिए खून भी कर सकते हो। अब तुम पर भरोसा नहीं। देखो मनोज, इन पैसों की वजह से तुम्हारी नींद चैन आराम सब खो चुके हो। भले ही एक टाइम खाना खाओ, लेकिन जब भी खाओ चैन से खाओ। ऐसे डर के नहीं जी सकते मनोज। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम कचरे वाले थे मनोज, आज भी मैं तुम्हें उसी नजर से देखती हूँ। तुम मेरे लिए वही हो, कोई करोड़पति नहीं। मैंने तुम्हें चाहा क्योंकि मुझे लगा कि तुम एक ईमानदार इंसान हो। शादी करके चैन की जिंदगी जीना चाहती थी तुम्हारे साथ में मनोज, लेकिन अब तुम वो मनोज नहीं रहे। नहीं रानी मेरी बात सुनो, तुम समझ नहीं रहे हो। इतना समझाने के बाद भी तुम अपनी इज्जत नहीं छोड़ोगे? तो मुझे भूल जाओ मनोज, आज से तुम्हारे लिए रानी मर चुकी है। आज के बाद कभी भी मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना। की कीमत जान से ज्यादा है क्या? आज से तुम्हारे लिए ये रानी मर चुकी है। गणेश की मौत के लिए तू ही जिम्मेदार है, तू ही जिम्मेदार है मनोज, चला जा यहां से। आज के बाद कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। नहीं, तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया। तुमने मेरे दोस्तों को छीना है। जिस रानी से मैं इतना प्यार करता हूँ वो आज मुझसे नफरत करती है। मेरे सहारे से उसने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए ये, नहीं चाहिए।
लक्ष्मी माता, ये सच है, मैंने पैसा मांगा था, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए माता, ये पैसा कभी सुख नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। शिवाजी रोड में टीएलसी 9328 गाड़ी का इंतजार करो, जल्द से जल्द। वन मिनट। हेलो सर, मैं मनोज बोल रहा हूँ सर। कौन मनोज? बच्चे की जान बचाने के लिए जो आपसे चाबी ली। बोलो क्या बात है बेटा। सर कचरे में से एक पैसों से भरी बोरी मिली है सर। क्या कहा? कचरे में से पैसों से भरी बोरी मिली है? हाँ सर। पैसों की जरूरत थी तो मैंने कुछ पैसे ले लिए सर, मैं वो बोरी आपको लौटाना चाहता हूँ। अभी कहाँ हो? अभी मैं अपने घर में हूँ सर। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हें वो पैसे कहाँ से मिले, पर मुझे तुम वो पैसे दे दो। ठीक है सर। बाकी मैं देख लूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है सर। सर हमें वो पैसे बच्चे के यहाँ से डिपार्टमेंट को सौंप देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, तो फिर अंत तक हमें पता नहीं चल पाएगा पैसा किसका है। जहाँ से वो मिला है वही चलते हैं, जिसके पैसे हैं वो जरूर आएगा वहाँ। वी विल वेट एंड वॉच। लीना, मुझे मिलने वाली मोहलत खत्म हो रही है, अब मुझे किसी भी हालत में वो पैसे उसे पहुंचाने होंगे। अब जिस पर भी शक होगा हम उसे सीधे उठा लेंगे। एसी को फोन करो, कुछ कैश निकाल लेते हैं। उस कचरे के सामने जो एटीएम है वहां गाड़ी रोको। लीना, उस एसी को बोलो वो कैमरा की फुटेज निकाले। जरा जूम करके देखो, कौन है वो? कचरा उठाने वाला लड़का है। कचरा उठाने वाला लड़का, उठा कर ले आओ उसे। कहाँ है वो लड़का बता? पता नहीं तो मार डालेंगे। बता कहाँ है वो लड़का? मारो सबको, बताओ, मारो सब को, पीछे बताओ, बताओ लड़का। देखो यही कहाँ है, ढूंढो उसे, बता कहाँ है वो लड़का। उसके घर जाके देखते हैं। जीवा का टाइम खत्म हो गया। Finish him. Hey Manoj. क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है मनोज, मैं तुम्हारे दोस्तों को और रानी को भी समझा दूंगी। सच क्या है मैं सबको बता दूंगी, तुम टेंशन मत लो मनोज। तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जल्दी जल्दी बड़ा गाड़ी। निकल दे, अरे चल 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 चल।
चल 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 जल्दी कर। अरे 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 चल चल रुक 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 मनोज 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 जीवन के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अरे वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए इधर ही आ रहे हैं सब। अरे यार चलो छोड़ो ये ले मनोज। मनोज रुकना नहीं, जाओ तू भाग जाओ। क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे आदमियों को मारेगा? इतने दिनों तक मुझे कुत्ता बनाकर घुमाया, तेरी वजह से मेरी नींद उड़ी हुई थी इतने दिनों से। आसानी से नहीं मारने वाला मैं तुम्हें, तिल तिल कर मारूंगा तुझे। तू खुद अपने मुंह से मांगेगा अपनी मौत। मनोज को लोग उठा कर ले गए, उसको वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें किसी भी तरह से हमें मनोज को बचाना होगा यार, हमें उसे बचाना ही होगा। अजय सर लाइन पे हैं। सर आपके पैसे मिल गए, आधे घंटे में आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। आप मेरा पीछा करने वालों को रोकिए। ए, वहां कैसी आवाज आ रही है? ऐसी तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, पैसे मिल गए हैं हमें। वो तो ठीक है जीवा, लेकिन पुलिस और इनकम टैक्स वालों को तुम्हारे पैसे की बात पता चल गई है, वो तुम्हें अरेस्ट करने आ रहे हैं। तुम जल्द से जल्द वहां से निकलो। Hey!
कहाँ हो तुम सर? सर समथिंग रॉन्ग, वी मस्ट गो। हमें कुछ तो बताइए। आप बताइए सर, प्लीज सर, कहीं से तो आपको इसकी खबर आई होगी। आज के मुख्य समाचार। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट अजय चड्ढा के ब्लैक करेंसी के 100 करोड़ रुपए जब्त किए और उन्हीं के साथ साथ मशहूर गैंगस्टर जीवा को भी गिरफ्तार किया गया है। अब देखते हैं अगली खबर। मनोज। रानी क्या हुआ? मुझे माफ कर देना मनोज, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मुझे समझ लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर आइए ना सर। मनोज कैसे हो तुम? अच्छा हो सर। तुमने जो 100 करोड़ ब्लैक मनी सरकार को बिना किसी लालच के लौटा दिए ना, उस वजह से सरकार ने तुम्हें इनाम के तौर पर 10 करोड़ रुपए दिए हैं। ये लो, कांग्रेट्स। सर मुझे पैसा नहीं चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? इन पैसों की वजह से शांति चली जाती है। ये पैसे आप ही रखिए और हम जैसे गरीबों का भला करते रहिए सर। आप ये पैसा मुझे देने आए, ये आपका बढ़तपन है, लेकिन ये पैसा आप ही रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कहीं धुआं धुआं, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है।